हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर कर रही हूँ। ये मुस्लिम ब्राइड का लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है और आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही हीरा मंडी के मूवीज़ वगैरह, उसका लुक ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सोचा आपके लिए क्रिएट करती हूँ। तो ये मैंने मेकअप किया, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स की डिटेल ऑलरेडी मैं दे दूँगी वीडियो में ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे, स्किन केयर करने के बाद ही हम मेकअप अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्किन अभी तो क्या समर सीज़न चल रहा है, इतनी गर्मी होती है, तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। और फिर यहाँ पर मैंने टोनर अप्लाई करा है, टोनर अप्लाई किया और फिर उसको स्किन में ऑब्जर्व कराया। एंड देन यहाँ पर मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। यू नो, स्किन को हाइड्रेट करना फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, तभी मेकअप बेटर लगेगा, अदरवाइज़ फिर वो पैची सा होने लग जाता है। तो इसलिए स्किन प्रेप करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर कोई स्किन ही प्रेप करता है मेकअप में सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं। तो मॉइस्चराइज़र, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करो या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ मैं, मेरे लिप्स थोड़े ड्राई रहते हैं गर्मियों में भी, पता नहीं, बट ठीक है, मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कलर करेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पीची कलर का मैंने पैलेट में से कलर करेक्टर लिया है थोड़ा सा, बट ये तो मेरी स्किन से परफेक्ट ही लग रहा था, बट ठीक है, मतलब रियल में थोड़ा सा पीची टाइप का है। तो मैंने डार्क सर्कल्स के ऊपर अप्लाई किया है, मेरे को डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा डार्क नहीं है कि ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँ, इसलिए पीची कलर में भी मेरा काम चल जाता। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया, और जहाँ पर भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी वहाँ पर भी मैंने सेम कलर करेक्टर यूज़ किया और अप्लाई कर लिया, ताकि वो ग्रेनेस ना आए। वैसे तो मैं कंसीलर भी अप्लाई कर लूँगी ना डायरेक्टली, तब भी ग्रे नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डार्क सर्कल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है और कितने ज़्यादा नेचुरल है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ मैं, मैंने फिंगर की हेल्प से ही कंसीलर को ब्लेंड किया है अंडर आइज़ के, मतलब जो कलर करेक्टर है उसको। फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन मामाअर्थ का, और जो कलर करेक्टर यूज़ किया है वो इनसाइड का कलर करेक्टर यूज़ किया है, पैलेट वाली जो आती है ना उसमें से। और यहाँ फाउंडेशन ऐसे लाइनिंग करके मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे को ट्रांजिशन शूट करना था, तो दोनों साथ में ही मैं करती जा रही थी। तो आप डॉटिंग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कम अप्लाई करो। मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स करके अपना शेड बनाया है, थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क को मिक्स कर दिया है, मतलब लेयर्स अप्लाई कर ली, और फिर ब्रश की हेल्प से हम ब्लेंड करने वाले हैं। और ये मार्स के ब्रशेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यू नो, स्विस ब्यूटी के भी मैंने खरीदे बट वो टूट गए, और मैंने उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करा है, बट ये मार्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फेस पैलेट्स, फेस ब्रशेस की और आई शेडो ब्रशेस की। तो यहाँ पर आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, नो चॉइस की, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रशेस ही यूज़ करने हैं। आप चाहो ब्यूटी ब्लेंडर भी ट्राई कर सकते हो, और आजकल तो फ्लैट पफ भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। मैंने यूज़ किया है, मैं आपको बताऊँगी, मैंने बहुत बार यूज़ किया है अपनी वीडियोज़ में। और फिर इग्नोर करना नॉइस वगैरह आ रहा हो तो हल्का फुल्का, क्योंकि घर में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, और सब खाना वगैरह बन रहा है, सब कुछ ऊँचा सब हो रहा है घर में, सारे नॉइस आती रहती है, इसलिए इग्नोर। और फिर यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग पे फोकस किया, और ये थोड़ा सा डर्टी भी हो चुका है, और एक्चुअली में क्या ना, मेकअप डेली शूट करना होता है, और डेली ही उस पर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगता जाता है, तो फिर डर्टी तो हो ही जाते हैं। बट मैं हफ्ते में एक बार उनको वॉश कर लेती हूँ ब्रशेस को। आईलिड पर भी मैं सेम ब्रश ही फेर लूँगी, ऐसे कुछ अलग से कलर कंसीलर वगैरह कुछ नहीं लगाने वाली हूँ बाद में। ये देखो सेफ, और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया मैंने, और ब्रशेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आई लाइक इट। और उसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नेचुरल स्पीड में मैं दिखा रही हूँ, कोई मैंने फास्ट नहीं किया है, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। और अच्छे से मैंने नेक पर भी कवर करा, ईयर्स पे भी कवर करा है। अब आ जाती है कंसीलर की, तो यहाँ पर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर बहुत अच्छा है, कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके जो अंडर आई उसको हाईलाइट करने से ही आपका फेस है ना थोड़ा ब्राइट दिखेगा, नहीं तो बहुत डल दिखता है और कुछ बेटर नहीं लगता, इसलिए कंसीलर मस्ट है। तो यहाँ पर मैं चिन पर भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और फॉरहेड पर, क्यूपिड्स पो पर, नो टिप ऑफ द नोज़ पर,
हर जगह जहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया जाता है वहाँ पर कंसीलर अप्लाई करी हूँ, थोड़ा सा चिन पर भी अप्लाई करूँगी। और मैं आजकल कॉन्टोर वगैरह करने लगी हूँ ना, तो उससे बहुत ही अच्छा फीचर इन्हेंस हो जाते हैं। लिटरली सब कुछ ट्राई करना चाहिए लाइफ में, इसलिए मैंने अभी अभी ट्राई करना स्टार्ट किया कॉन्टोरिंग वगैरह, और मुझे बहुत पसंद आने लग गया है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार इसके बिना मैं पहले मेकअप कैसे कर रही थी। और फिर यहाँ पे आईब्रोज को मैं शार्प कर रही हूँ, थोड़े आईब्रोज को शेप दे रही हूँ ताकि फिनिशिंग में दिखे। ये बहुत ही यू नो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको भी बहुत टाइम लगा करना पड़ेगा। और मेकअप करने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है अगर आप प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हो तो। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ बस कॉलेज के लिए स्कूल के लिए, तो 5-5 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर आईलिड पर भी मैंने थोड़ा ब्रशेस को फेर दिया है ताकि आईलिड भी थोड़ी सी मेरी ब्राइट हो जाए। और छोटे से ब्रश की हेल्प से ही मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ, और फिर मैं उसको ब्लेंड भी कर लूँगी। और ये कंसीलर थोड़ा सा है ना लाइट है मेरी स्किन से, और इससे मतलब आप कुछ भी आई शेडो वगैरह अप्लाई करोगे ना आईलिड पर तो वो पॉप करके दिखेगा, इसलिए आईलिड पर भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और साथ ही में मैंने अपने आईब्रोज को भी फिनिशिंग दे दी है। अब ब्यूटी ब्लेंडर ले सकती हूँ मैं, ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी, या आप पफ ले सकते हो, ब्रशेस भी ले सकते हो, बाकी कंसीलर ब्रश मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, यू नो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको ब्लेंड करी, ये वाले पफ की मैं बात करी थी कि इससे फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो, सब कुछ हो जाता है। ये ऑल इन वन वाला पफ है, और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, उसके पॉइंटेड जो टिप है ना उससे अंडर आइज में प्रॉपर ब्लेंड हो जाता है और हर प्रोडक्ट लगता है। ये देखो मैंने ब्लेंड करा, अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और कुछ भी जो पफ है बिल्कुल भी सोक नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ भी सोक नहीं करता है। तो नोज़ पर भी हमने कर लिया है कंटूर, नहीं कंटूर नहीं, अभी तो ब्लेंडिंग ही चल रही है मेरी, ब्लेंडिंग पे पूरा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है ना तो पैचीनेस आ जाती है फेस पर। सेटिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, पर एक्चुअली मैं अभी सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती हूँ, मैं रियलिटी में कहीं बाहर जाती हूँ तब भी यूज़ करती हूँ। ऐसे करूँगी ना तो प्रोडक्ट्स मेरा ख़त्म हो जाएगा, और उसको मैंने यू नो बहुत कम सेटिंग स्प्रे मेरे पास, इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे इतना खास यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है तब यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने टिंट लगा लिया है, टिंट को अप्लाई करके मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, और वो टिंट थोड़ा दिख भी नहीं रहा है, बट मैं ब्लश लगाऊंगी ना तो वो प्रॉपर कवरेज आ जाएगी। और फिर यहाँ पे हमने अंडर आइज को बेक किया सेम पाउडर की हेल्प से। बेकिंग, या गर्मी का सीज़न आ गया, और बेकिंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता। बेकिंग करने से स्वेटिंग थोड़ी सी कम होगी, और जो अंडर आइज है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड ड्राई टाइप की आपको रहेगी, और कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि स्वेटी टाइप हो गई है, नहीं। अब आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर, ऐसे मैंने हेलो आई लुक क्रिएट किया है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसको ऐसे शेप दे रही हूँ सबसे पहले, और फिर उसके आउटर एजेस को हम ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। ऐसा कुछ मैंने क्रिएट किया है, दोनों आइज पे सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है मोटी सी, फिर उसके आउटर कॉर्नर्स को हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ये देखो, ये ब्लेंडिंग अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है इस टाइप से। और मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी डेप्थ मिले मेरी अंडर आइज को, थोड़ा सा ब्लैक कलर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर भी उसमें यूज़ करूँगी मैं, कि थोड़ा सा और डार्क दिखे, और फिर उस पर गोल्डन कलर अप्लाई करूँ तो बहुत सुंदर दिखे। तो ऐसे ही मैंने दोबारा किया, और फिर ब्लेंड किया, और फिर आउटर एंड इनर कॉर्नर्स पे भी सेम ब्राउन कलर अप्लाई किया, ताकि बीच वाला सेंटर वाला पार्ट में हेलो आई के लिए कर सकूँ। और ये गोल्डन कलर अप्लाई कर लिया मैंने, और फिर यहाँ पे जो मैंने बेकिंग करी थी उसको डस्ट ऑफ करेंगे, और उसी से पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी मैं। कुछ अलग से लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, या कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, इसी से ही पूरे फेस पर मैं ब्रश को फेर लूँगी ऐसा। फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले आगे, नेक एरिया को मत भूलना। फिर मैंने कॉन्ट्रोल करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लिया था, फिर मैं भूल गई थी कि अरे मुझे कॉन्ट्रोल करना था पहले, तो फिर मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ अपने फेस को। यू नो कॉन्ट्रोल करने से बहुत ही फेस पे स्ट्रक्चर मिलता है, वाइट फेस जो हो जाता है वो बिल्कुल हट जाता है, यू नो नेचुरली दिखने लगता है। मैंने यह रिज़ल्ट अभी देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो मैं यहाँ पे फॉरहेड पे टेम में पूरे लाइंस, जितनी भी हेयर्स लाइन है ना सबको कवर करती हुई कॉन्टोर या ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ। ये देख बढ़िया, थोड़ा सा मस्त वाला लुक आता है। और फिर यहाँ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कोरियन टाइप में, कोरियन और पिंक का टिंट मैंने मिक्स करके ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश तो आपको लगाना ही है, और ब्लश में कितना भी डार्क लगा लो एट द एंड में ब्लश दिखता ही नहीं है, पर ठीक है।
हम बाकी रियल में दिखता है, कैमरे में नहीं दिखता। रियल में तो बहुत ज़्यादा दिखता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, और कैमरे में कुछ विजिबल होता ही नहीं क्योंकि मोबाइल से शूट करती हूँ ना यार, इस वजह से। बट इट्स ओके, मैं आपको प्रोसेस बताती जाती हूँ कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है। आपको जैसा क्वांटिटी में चाहो वैसा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फॉरहेड पे, नोज़ पे, चिक्स पे, चिन पे मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ। ये मेरे फेवरेट पार्ट्स है, खासकर मेरी नोज़ और फॉरहेड और चिन। और चिक्स पे तो लगाना ही है, वहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्लश भी कंप्लीट हो गया है। चलो फिर अब लाइनर पे आ जाते हैं। लाइनर अप्लाई करूँगी मैं सिंपल सा लाइनर, कोई इतना विंग विंग नहीं क्रिएट किया है मैंने। और फिर लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया। हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, बढ़िया हाइलाइटर तो ज़रूरी है इस टाइप से, मतलब चेहरे पे जो लाइट चमकती है ना वो हाइलाइटर से ही आती है। विद इन ग्लो वगैरह तो ठीक है, नेचुरल मेकअप करो तो चलता है, बाकी ये हाई कवरेज करो, फुल कवरेज करो और हाइलाइटर ना लगाओ ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे हाइलाइटर भी मैंने अप्लाई कर लिया है, वाओ। फिर नोज़ पर तो मैं फिंगर के हेल्प से लगाने वाली हूँ क्योंकि नोज़ भी कॉन्टोर करी है मैंने, दैट्स फाइन। और फिर यहाँ पे फॉरहेड पे अप्लाई करा। और फिर अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, इसके बाद लिपस्टिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिप्स को पहले ब्लेंड कर दिया है कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह लगा के। और फिर यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, बोल्ड लुक, यू नो मुस्लिम बोल्ड वाला लुक क्रिएट किया है मैंने, हीरा मंडी से इंस्पायर्ड लुक यू कैन सी। और फिर यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर ली है, और मामाअर्थ की लिपस्टिक है, अच्छी है, मेरे को जो लिपस्टिक मिल जाती बाहर वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो न्यूड कलर भी अप्लाई कर सकते हो, बट पहले मैंने एक लुक क्रिएट किया था विद द न्यूड लिप्स, और इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा बोल्ड वाला लुक क्रिएट कर लूँ। फिर उसके बाद हम लैशेस वगैरह अप्लाई करेंगे आईज़ पर। जब तक लैशेस अप्लाई नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आता है, उससे पहले मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। और फिर मस्कारा भी मैंने अप्लाई कर लिया है, और अब मैं फटाफट से ज्वेलरी वेयर करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। लैशेस वगैरह अप्लाई कर ली मैंने ऑफ कैमरा, और ये ब्यूटीफुल सा फ्लॉलेस बेस वाला लुक कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। और ज्वेलरी और ड्रेस अब कैसा लग रहा है मेरा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।